चुकाइए। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का ब्लॉग मैं शुरुआत कर रहा हूँ। मैं आपको मिलवाना चाहूँगा सबसे पहले अपनी बेटी समृद्धि से, मेरे पास है। ये आपसे कुछ कहना चाहती हैं? बस यही कहना था इनको, आप समझ ही गए होंगे बच्चों की भाषा। इनसे मिलिए, ये मेरे बेटे सक्षम, और ये भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। सक्षम, क्या कहना चाहोगे? वेलकम टू माय ब्लॉग, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यही कहना था इनको, आप समझ ही गए होंगे बच्चों की भाषा। ये यहाँ किचन में काम कर रही हैं, नाश्ता बना रही हैं हमारे लिए, पूड़ी आलू सब्जी। और देखिए आप, कितना डिफिकल्ट है एक बच्चे के साथ नाश्ता बनाना। दो है ना एक्चुअली, एक बच्चे को मैं संभाल रहा हूँ, एक बच्चे को इनको संभाल रही हूँ। गाइस, ये वॉकर चलाने लग गई है मैडम, और देखो कितना चीख रही है, कितनी एक्साइटेड है ये। मी डॉल मम्मा पास आ जा, ए जा दिखाओ जरा, ये देखो मास्क की चेन है ये। तो गाइस, ये है मास्क की चेन, अच्छी आई है मीशो से। मेरे जितने भी मैंने प्रोडक्ट मीशो से मंगाए वो सब अच्छे ही आए हैं, तो थैंक यू मीशो। गाइस, मेरे लिए स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम मंगाए तो वो भी तो रियल लग रहा है ना, बढ़िया लग रही है। प्राइस कम से कम होते हैं और प्रोडक्ट जैसा एज पिक्चर में होता है सेम वैसा ही आता है, तो मुझे बहुत अच्छी लगी है। लाइट वेट एकदम बहुत अच्छी है। पहले मैंने ये वाली मंगाई थी गाइस, और अब मैंने ये वाली मंगाई है, तो ये दोनों ही अच्छी आई है और बहुत रिजनेबल प्राइस में है दोनों। और ये गट्टू हमारी गोदी में है। गाइस, मैंने आज ड्राइंग बनाई थी, देख लो। हाँ, ये इसने भीम बनाया है। कमेंट करके बताना कैसा लगा भीम आपको। देखो गाइस, मेरा बेटा जो है बिस्तर के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये देखो, ये चढ़ जाता है या नहीं, चढ़ गया है। और ये चढ़ गया, आ गया बिस्तर पे। तो गाइस, कहीं चली गई थी मैं और वहां से अभी आ चुकी हूँ। देखिए ये दोनों खेल रहे हैं, टीवी देखने लग गए हैं। कृष्णा को ट्यूशन भेजा है, तो कृष्णा आ गया ट्यूशन से। मामा आ गए, ट्यूशन से मामा आ गए, मामा आके चले गए, बताओ आए थे चले गए, लेकिन इतनी शाम तक। हाँ, आज कृष्णा के मामा आए थे और कृष्णा की मामी ने कृष्णा के लिए कुछ भेजा है। आओ देखते हैं क्या भेजा है। कृष्णा आओ देखें क्या भेजा है। तो गाइस, कृष्णा की मामी ने कृष्णा के लिए इडली सांभर बना के भेजा है। क्या कहोगे? थैंक यू।
तो ये अपनी मामी को थैंक यू बोल रहा है। मेरे जी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो है? कुछ नहीं, मम्मा हो रहा है। हाँ हो रहा है। और मेरे बेड पे मेरा सारा सामान बिखरा हुआ है, अब मैं इन सबको सेट करूँगी। ये कुछ अपना काम कर रहे हैं, वो इडली सांभर खा रहा है और मैं सबको शूट कर रही हूँ, आई मीन व्लॉग बना रही हूँ। सो गाइस, मैं अपने दोनों बच्चों को जो है इडली खिला रही हूँ। हे गाइस, शाम के बज रहे हैं 6:50 और ये बच्चे हमारे, ये देखो ये मेरी दूर छोटी सी क्या कर ले, इसे खेल ले। क्या है, क्या निकलता है तुम्हारे पता नहीं। ये देखो गाइस, कितनी सारी सब्जियां आई हैं हमारे यहाँ आज। आज हमारे कृष्णा ने सब्जियों की दुकान लगाई है और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में सब्जियां बेच रहा है। ये भिंडी कैसे थी? ये हाँ, 1 रुपए थी 50 किलो। अच्छा, तो भैया 1 रुपए की 50 किलो। हाँ। ये कौन से जमाने की भिंडियां हैं? ये पुराने जमाने, पुराने जमाने की सड़ी हुई है। सड़ी हुई भिंडियां? हाँ, मुझे तो नहीं लग रहा, मुझे तो साफ लग रही है भिंडियां। अभी अभी खेत से निकालते आए, 2 रुपए थी। खेत की तो बहुत ताजी होती है। तो तुमने कैसे कह दी है सड़ी हुई है? हम खेत से लेके आए हैं, बस जी हम ट्रक में से ला रहे थे, कुत्ते ने एक लौकी चाट ली थी, लौकी खराब हो गई। हम नहीं ले रहे तुम्हारी सब्जियाँ, तुम्हारी सब्जियों का भरोसा नहीं रहा, भरोसा नहीं रहा हमें। मुझे नहीं भाई, भरोसा नहीं रहा तुम्हारी सब्जियों पे हमें, बिल्कुल भरोसा नहीं है तुम्हारी। ये देखो गाइस, मेरा बेटा कितना कितना सारा काम कर रहा है, सब्जियां छील रहा है, मटर छील रहा है। ये अपनी मर्जी से कर रहे हो काम या फिर तुम्हें जबरदस्ती करवा रहा है? अच्छा, अपने आप अपनी मर्जी से कर रहे हो ना। अभी तुमने सब्जियां भी इतनी सारी बेची हैं, इतना सारा पैसा कमा के लाए हैं, इतनी सारी सब्जी बेच के, और फिर आप घर आके अपनी मटर छील रहे हैं, हमारा हाथ बटा रहे हैं काम में। आलू मटर, पापा प्याज, आलू मटर और प्याज और लहसुन आप बनाओगे? नहीं, आलू मटर भिंडी आप बनाओगे बेटा? हाँ। अरे वाह, मैं तो छील लाऊं। गाइस, ये कैसे लटकी हुई है मेरी गोदी में? बहुत सारी की बातें करते हैं तुम। ये देखो गाइस, प्याज कितने रुपए किलो दिए अभी? गाइस, इसने हरी मिर्च खा ली मेरे सक्षम ने, लेकिन इसे बिल्कुल मिर्ची नहीं लगी, बस थोड़ा सा रोए और चुप हो गए। तो गाइस, आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, इस तरह से एंड कर रही हूँ क्योंकि बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, बाय बाय। तो तुम किसी की बात नहीं मानोगे, पापा की भी नहीं? बिल्कुल कह रहा, मानना ही नहीं सीखा इसने बिल्कुल भी अभी तक। मैं सही गलती कर रहा हूं, मैं बात मानूंगा। ठीक है।